అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతుహు. బ్రదర్ అన్ ఇస్లాం కో ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ కి పుర్ఖులూస్ ముబారక్బాద్ పేష్ కర్తా హూ ఔర్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా సే దువా గో హూ కి అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలా ఇస్ ముఖద్దస్ మాహ్ మే జిన్ జిన్ హజరాత్ నే రోజో కా तरावियों का, तहज्जुद का, तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम किया और जो जो लोग उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं और कर कर उम्रा वापस आए हैं, उनके भी उम्रों को और इबादतों को अल्लाह सुब्हानहु तआला कबूल व मकबूल फरमाए. साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ गो हूँ कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, जिस तरीक़े से निहत्ते मुसलमानों पर इज़राइल की जानिब से जो जुल्म व बर्बरियत और जो फायरिंग का जो मामला जो चल रहा है, और मस्जिद अक्सा में अंदर घुस करके जो नमाज़ियों पर फायरिंग कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं और कई मुसलमानों को क़ैद कर कर वो जेलों में डाल रहे हैं, उन मुसलमानों की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की ग़ैब से मदद फरमाए, उनके जान व माल की, आबरू की हिफाजत फरमाए. और ख़ास कर आलम इस्लाम के तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, 26 ममालिक हैं, बिलखसूस जो सरहदी बॉर्डर्स पर जो जो पड़ोसी ममालिक हैं फ़लस्तीन के, लीबिया, सीरिया, शाम, मिस्र और ईरान, ये सब मुत्तहिद होकर के इज़राइल की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दें. और फिर मैं अल्लाह सुब्हानहु तआला से मज़ीद दुआ गो हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान क़ायम रहे, और जिस तरीक़े से फ़िरका परस्त ताक़तें आज सर चढ़ कर बोल रही हैं और नित नए एजेंडों के साथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन तमाम साजिशों को इस मुक़द्दस माह रमज़ान के सदक़े तुफ़ैल में नाकाम बनाए. और ख़ास कर कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, मेरी दुआ है कि यहाँ पर अच्छे मुस्लिम काबिल नुमाइंदे जो मिल्लत इस्लामिया के लिए काम कर रहे हैं चुन कर के आएँ, ताकि आने वाले जो हालात हैं आप देख रहे हैं बहुत ही संगीन हालात हैं. तो इन हालात में मैं फिर एक बार अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ गो हूँ कि यहाँ पर भी असेंबली इंतखाबात में फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त हो और एक अच्छी यहाँ पर सेकुलर हुकूमत कर्नाटक में कायम हो. मैं फिर एक बार अब तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ.